और एक जन आओ कोई दुखी दर्द, एक आओ एक ही आना, नौ नहीं आना, एक 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 आ भाई तेरे को क्या दर्द हो रहा है, माता जी कहाँ है दर्द, अभी है क्या दर्द, नहीं अभी है क्या दर्द, हाँ अभी माइग्रेन गर्दन पीठ और कमर और प्रोस्टेट, कहाँ नहीं है ये पूछना पड़ेगा तुमको, तो सिर से पैर तक पूरी हिस्ट्री निकाली, कुछ मुख्य पार्ट का नाम नहीं बोला, बाकी सबका बोल दिया तुमने, हाँ माइग्रेन से पैर तक सब बोला है, देख अभी दुख रहा है क्या, देखो अभी गायब हो गया सब, देखो अब है क्या, नहीं है ना, हाँ बस इतना ही मेरी दृष्टि है, जाओ अब देखो सच्ची में, देखो कुछ है क्या, देखो तुम बैठो बहन बैठो, अभी वो ये ट्रेनिंग क्लास नहीं चल रहा है, ये इनको दिखा रहे बेटा, कहाँ दिखा रहे हो, मेरे को भी दिखा रहे हो क्या, नहीं कभी कभी मुझे दिखा दिया करो, तीर्थ चलाना है, हाँ ऐसे नहीं चलेगा ये तीर्थ, माँ की कृपा से और मेरे चेहरे से चल रहा है, जय जय गुरुदेव, है नहीं ना, देखो इधर है क्या, थोड़ा डांस करना आज, देखो दो चिड़चिड़ करते हैं, बीमारी भी आती है, आप लोगों को मैं दिल से बोलता हूँ, कभी कभी हफ्ते में एक बार तो भी कोई अच्छा भजन, मनपसंद भजन डाल के 15 मिनट नाच लिया करो, शरीर को व्यायाम भी हो जाएगा और भजन की भक्ति भी हो जाएगी, दो काम, वो पागल है जो डिस्को में नाचने जाता है, किधर डिस्को में, माइक दे माइक, कहाँ से आए, वो तो गोवा से आया, महाराष्ट्र अहमदनगर, अहमदनगर वाह वाह बहुत बढ़िया है, आए तब क्या क्या बीमारी थी, ये सब तकलीफें थी, माइग्रेन, हाँ, गर्दन पीठ कमर पेट, हाँ, पैर सब ठीक हो गया बिल्कुल, हाँ, अभी एक महीना इधर आऊंगा, वाह जा बैठी, माइक देके जाना, बेचारा तड़पेगा बिना माइक, माइक देके जाना, महाराष्ट्र अहमदनगर से आया, और कोई एक आओ, कोई एक आना, 9-10 नहीं, आओ भाई तुम आओ, सामने ही बैठे हो, कैसे नहीं आओ, कहीं चलता है, तुमको क्या क्या दुखता है, स्पाइनल का डैमेज है, डैमेज है, हाँ, क्या डैमेज, मेरा बैक पीछे नहीं हटता, घूमना ही होता है, साइड में कुछ नहीं देख पाया, अभी घुमा दूं तो, नहीं अभी घुमा दूं तो क्या, नहीं तुम ऐसे मुड़ नहीं पाते हो, ये बोल रहे हो ना, अभी तुमको मुड़ा दूं तो क्या करोगे, वो बोलो पहले मेरे लिए कुछ उपहार बताओ, पूरे संसारी फोगटियों की आ जाएगी तो कोई तो एक आएगा जो कुछ करेगा, हाँ मैंने सबको बोला कि तुमने जीवन में कभी नाचा नहीं है इसलिए ये सब दुख आया, अभी घर जाके हर दिन एक बार मीरा का भजन डाल के क्या, मोहे आई न जग से ना, मैं इतना जोर से नाचूं, कहता हूँ कि हमारे शरीर को व्यायाम की जरूरत है, जो व्यायाम नहीं करेगा वह हाय हाय राम करेगा, क्या करेगा, जो व्यायाम नहीं करेगा वह हाय हाय राम करता रहेगा, इसलिए महाराज ओम शक्ति भवतु स्वाहा, देखो अब बीमारी है क्या, हाँ अब कैसे मोड़ रहे हो, अब पूरा मोड़ लोगे 2 मिनट में, माइक उसको दे दो, देखो पीठ में दर्द है क्या पीछे, माइक से बोलो क्या क्या हो रहा है, धीरे धीरे बोलिए,
ये पीठ पे नहीं, ये कमर में है। अभी दर्द है क्या? देखो कमर में है थोड़ा दर्द है। अब देखो है क्या? हाँ जाओ, अगर तुम में दर्द होगा तो मैं कैसा साधक भाई। बोल सतगुरु भगवान की जय। कहां से आए ये भाई? ये पूछा ही नहीं तूने बेटा। अभी थोड़ी देर बैठो, बीच बीच में नहीं आना। अभी तुम आए तो तुमसे डांस कराऊंगा मैं। आप कहां से आए? भुवनेश्वर में जगन्नाथ जी है। देखा, इस बार मोदी जी ने भी जैसे ही शाम को रिजल्ट आया जय जगन्नाथ बोला। क्या बोला? क्योंकि जगन्नाथ को जो पकड़ता है वो भी जगत का नाथ बन जाता है। तो हम कई वर्षों से जगन्नाथ में कार्यक्रम करने का सोचते हैं। इस बार भी मेरे बेटे को भेजा था मैंने, वहां जाके वो स्थान भी तय करके आया, लेकिन माँ ने बोला कि ये भाई अयोध्या में प्रतिष्ठा हो रहा है, इस दिवाली में जगन्नाथ में नहीं, इस दिवाली में अयोध्या में कार्यक्रम कर ले, मैं अगली बार तुझे जगन्नाथ जाने की अनुमति दूंगी। फिर मैंने इस बार अयोध्या में माँ के कहने से किया। भैया को बोला था मैं कैसे करेंगे, अरेंज करेंगे, बाबा का प्रसार करेंगे, मैं भी बोल दिया था। बिल्कुल, आपके सहयोग से सब काम सिद्ध होगा, मुझे विश्वास है। अभी ये बाबा को क्यों लाए? क्यों बाबा, क्या है? पाव क्या है? क्या उम्र है बाबा? 70। अब मैं आपको पूछूं एक बात, इनको तो ठीक करूंगा, ये अलग बात, वो अपनी आदान प्रदान दया की बात है, लेकिन मैं कई बार सोचता हूं कि भगवत कृपा सबको ठीक कर दी तो मसान में कौन जाएगा? नहीं, ये सवाल उठता है, क्योंकि समय आएगी, नियति है, और तंदुरुस्त कैसे जा सकते हैं? देखो, जाने के लिए ही सिग्नल जो आता है वही बीमारियां। बीमारी क्या है? जाने का सिग्नल। दो प्रकार की बीमारी है, ये हमारी जीवन शैली की कमी के कारण आने वाली बीमारी, वो तो जीवन शैली ठीक होते ही वो भी ठीक हो जाएगी, लेकिन जो जाने के लिए बुढ़ापे से जो बीमारी आती है उन सबको ठीक करोगे तो धरती में जगह नहीं रहेगी। कहां से आए बाबा? महाराष्ट्र में। कहां महाराष्ट्र में? बार्शी। बार्शी, बार्शी। चलो, आपका कब से तकलीफ है? नहीं, ये तकलीफ कब से है? चार तीन हो गए। तीन चार वर्ष? नए वर्ष है, नए महीने। महीने मेरे को इतना समझ यार, चार महीने से। चार महीना? हाँ। बस, आपका नाम क्या है? विष्णु। अभी कहाँ आए आप लोग? कहाँ आए हो? ऐसे ही आए? घूमने आए थे? नहीं नहीं, इधर ही आए, कार्यक्रम में आए, शिविर में। आप शिविर में हो क्या? हाँ, आज आए। आज ही आए दर्शन के लिए आए? हाँ। क्योंकि ये शिविर तो कभी की चल रही है। चलो बाबा, मैंने ठीक कर दिया, देखो अब दर्द है क्या? देखो, अब नहीं होगा दर्द। देखो बाबा, है क्या दर्द? वो ठीक हो गया, आप चल के जाओ, ठीक हो गया, आप जाओ, आप चलोगे तो महसूस होगा, जाओ। अब किसी के पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना काम पकड़ो मत, भले ही ले जाते समय पकड़ो, कोई जरूरत नहीं है, वो डर के मारे पकड़े तो अलग बात। देखो आप, दर्द है क्या बाबा? नहीं है तो जाओ आराम से, किसी को मत पकड़ो। हो सतगुरु भगवान की जय। खुद ही जाओ, खुद ही जाओ, उनको जबरदस्ती पकड़ो मत भाई, छोड़ दो। जबरदस्ती
जबरदस्ती मत पकड़ो, छोड़ दो, वो जाएंगे और एकदम ठीक हो जाएंगे। आदमी को बीमारी कम सताती है महाराज, डर ज्यादा सताता है। क्या होता है डर मेंटली, और क्या है बिल्डिंग भी बड़ा है ना, तो दो पिलर उसको झेल नहीं पा रहा है। आप लोग अपने बिल्डिंग पर भी ध्यान देना, ये दर्द का चक्कर नहीं है, ऊपर का भाग बहुत वजनदार है, नीचे पैर पतले हैं, तो इतने वजन को वो झेल नहीं पाता है, बीमारी वो है। तो पूरा वजन पैर पर आ रहा है, कहाँ आ रहा है पैर पर। तो हम पहले से ही ध्यान रखना, थोड़े दिन में ये हॉस्पिटल न हो जाए, माँ तुझे प्रणाम करो, मेरा ध्यान रखना। कहीं हॉस्पिटल हो गया तो बेटा तेरे को कहीं दर्द है क्या? जवानी में दर्द दूसरे टाइप की होती है, वो मैं जानता हूं।